दोस्तों ये है इंटेक्स क्लाउड स्टाइल 4G पीस आया है मेरे पास डिस्प्ले चेंज करने के लिए। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसका डिस्प्ले कैसे बदलूँगा और कैसे निकालूँगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैं कैसे इसको खोल के इसके डिस्प्ले को कैसे रिमूव करता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें नया डिस्प्ले कैसे लगाता हूँ दोस्तों। तो ये आप देखते रहो। सबसे पहले मैं स्क्रू खोल लेता हूँ सब। ये हो गया स्क्रू अलग दोस्तों, अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। दोस्तों ये अलग हो चुका है। इसमें जो स्क्रू लगे दोस्तों वो भी मैं अलग कर देता हूँ, अंदर भी बोर्ड में स्क्रू लगे हैं। इसको भी दोस्तों अलग कर दिया हूँ मैंने। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे भी है। दोस्तों ये हो गया है। अब यहाँ से जो इसकी स्ट्रिप है भी खोल लेंगे हम। निकल गई ये स्ट्रिप, यहाँ पे एक छोटी सी है, इसे भी रिमूव कर लेना है। ये हो गई।
देख लेते कुछ और जगह तो नहीं कोई स्क्रू। दोस्तों ये ऐसे तो नहीं निकल रहा है, इसको एयर गन से एयर मारना पड़ेगा। ये मैं एयर गन ले लेता हूँ। ये आप ये भी ले सकते हैं, ये जो एयर गन है ये भी ले सकते हैं, नहीं तो ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे से निकालूंगा इसको। ये दोस्तों ये हिल रहा है, देखिए ये हिल रहा है ना। अब ये धीरे धीरे निकल जाएगा दोस्तों, ये अभी हिलने लग गया है। हो गया दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका ये निकाल लेना है केबल है जो, इन्हें अलग कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों पर इधर थोड़ा टाइट है। थोड़ा थोड़ा टाइट लग रहा है, बस निकल रहा है, यहाँ फंस रहे हैं। दोस्तों रिमूव हो चुका है, ये वाइब्रेटर के यहाँ पे थोड़ा अटक रहा है। अभी मैं इसे सही करता हूँ फिर से। ऐसे ही हमें दोस्तों गर्म कर कर के इसको इसमें फंसाते जाना है, आप देख सकते हैं। गरम करके जब इसके अंदर वो प्लास्टिक का वो कोई भी चीज़ लेके इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे तो ये अपने आप खुलते जाएगा, तो आप इससे अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे धीरे धीरे करते करते आपको जब ये गर्म हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो इसमें प्लास्टिक को खसकाते जाइए पूरे चौकन तक के करिए, तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। आपको धीरे धीरे ऐसे ही करना है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए और गैप होते जा रहा है, देख सकते हैं ये धीरे धीरे ऐसे ही अलग होगा। हमें दो प्लास्टिक ले लेना है दोस्तों और इसी तरह हमें इसे रिमूव करना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक कैसे कर लिया है, अब और थोड़ा गर्म कर देते हैं। इल्लो का जो गम होता है ना दोस्तों वो बहुत हार्डली होता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट कंपनी मतलब कंपनी लगाती है, तो वो कंपनी वाले के पास बेस्ट गम होता है, वो बहुत कड़क गम होता है दोस्तों, इसलिए वो छूटता नहीं। इसके लिए हमें ऐसे ब्लोअर या ये तो ये एयर गन का हमें यूज़ करना है और इसे हीटिंग दे के इसे निकालना है धीरे धीरे प्लास्टिक को आगे कर करके। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं धीरे धीरे आगे आऊँगा। यहाँ से हम लोग खसका के देखते हैं, धीरे धीरे हमें आगे आते जाना है, धीरे धीरे रिमूव होते जाएगा दोस्तों ये। देख सकते हैं दोस्तों पूरा हीटिंग देके भी कर सकते हैं, एक बार आप हीटिंग दे दें तो ये हो जाएगा। आपको इसे अच्छे से हीटिंग देना है जिससे कि ये मतलब रिमूव हो जाए अच्छे से दोस्तों।
थोड़ा मतलब दिक्कत पड़ेगी, ये नहीं निकल रहा है उस टाइम पे, आप और थोड़ा सा एयर गन वहाँ पे रखे या तो ब्लोअर से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा करके दोस्तों इसे फिर धीरे धीरे खसकाना है। देखिए दोस्तों ये रिमूव हो रहा है, टूटेगा भी तो कोई वांदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉम्बो जा चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे रिमूव कर लिया, यहाँ पे ये कुछ टूट गया है। यहाँ पे इसके स्ट्रिप है, इसे रिमूव कर लिया है, देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे रिमूव कर लिया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे पूरा रिमूव कर लिया है, अच्छे से रिमूव कर लेना है दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों मैंने इसे आप लोग के सामने ही पूरा निकाल दिया है, आप ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो यहाँ पे है इसे भी हमें निकाल लेना ही है क्योंकि स्टिप का पार्ट है, कोई बात नहीं दोस्तों इसे निकाल लेना है। इसे हमें अलग कर लेना है दोस्तों, फिर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है मैंने अलग कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्प्ले मैंने इससे अलग कर दिया गया है दोस्तों। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अपना गम लगा के भी डिस्प्ले चिपका सकते हैं। मैं अभी डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हर जगह पर, यहाँ पर मैंने डबल टेप लगा दिया है कि आसानी से फटाफट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों ये ऐसा निकलेगा, जो डबल टेप है मैं सब जगह लगा दिया है दोस्तों, बस यहाँ से निकाल के आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हो गया है, अब बस हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस यहाँ पर डिस्प्ले को रख देना आराम से, वो अपने आप चिपक जाएगा। यहाँ से डिस्प्ले बाहर जाएगा अंदर, और हमारा ये भी, और हमारा ये यहाँ पे से जाए दोस्तों, फिर इसमें हमको यहाँ से निकाल लेने से, फिर इसको आराम से ऐसा रख देंगे हम इस पर। इसकी जोड़ बहुत पकड़ बहुत, देखो दोस्तों तो मैं इसे फिट करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको जो वीडियो बता रहा था अब मैंने इसमें डिस्प्ले लगा लिया, अब मैं इसे फिट कर रहा हूँ।
स्टेप वाइज बताऊंगा दोस्तों, आपको टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, फिर ये हो गया ऐसा। फिर उसके बाद ये वाली जो स्टीप है इसको इसके अंदर डाल देना है। वायर को भी सेटअप कर लेना है, ये माइक का वायर। देखो दोस्तों, फिटिंग हो गया है। अभी मैं इसको कवर लगाने जा रहा हूँ ऊपर वाला। कवर भी लग चुका है दोस्तों, अब मैं इसको स्क्रू लगाऊंगा। देखो दोस्तों, मैंने इस मोबाइल को चालू भी कर दिया है आप लोग के सामने इंटेक्स। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे चालू भी कर दिया। अब इसका टच चेक करते, देखिए मैंने बेबे से जोड़ा है, अभी इसको शुरू लगाना बाकी है। चलिए मैं आपको इसका टच चेक करवा के दिखा देता हूँ कि कैसा ये चल रहा है। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अभी अच्छा चल रहा है ये। देख सकते हैं दोस्तों, सही है ना। देखिए दोस्तों, मैंने चालू कर दिया। थैंक्स दोस्तों, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों मैं ऐसे नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा। बाय दोस्तों।